हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ऑल डाटा के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आप हर प्रकार के डाटा देखकर किसी प्रकार की वाइंडिंग कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में आपको हर प्रकार के डाटा बताऊंगा, हर प्रकार के एक एक डाटा में लिख कर बताऊँगा, उसमें आपकी हर प्रकार की बात अच्छे से समझ में आ जाएगी दोस्तों। और पूरा वीडियो आप देखना, वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन आप किसी भी मोटर की वाइंडिंग का डाटा आप आराम से देख सकते हो। मदानी से लेकर चक्की मोटर तक में ऑल चक्की मोटर, ऑल मदानी, हर प्रकार की मदानी, हर प्रकार का कूलर स्टेटर, हर प्रकार की मोटर की वाइंडिंग का डाटा मैं बताऊंगा। आप आराम से इस वीडियो के अंदर डाटा देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, लास्ट तक देखोगे तो आपकी वीडियो में जो डाटा है वो आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा, अन्यथा आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। आप किसी मोटर का वाइंडिंग डाटा है वो आपको लिखने की और जो डाटा है वो निकालने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो में देखकर हर प्रकार का डाटा है वो आराम से देखकर और वाइंडिंग कर सकते हो। अब दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको डाटा बताऊँगा, मदाने का डाटा बताऊँगा, मदानी, हर प्रकार की मदानी का डाटा बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको 600 मदानी होती है उसका डाटा बताऊंगा। दोस्तों मदानी का मैं डाटा आपको बताऊंगा, मदानी का डाटा मैं बताऊंगा आपको। 600 मदानी, 600 मदानी का डाटा मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको 600 आप समझ में आएंगे। दोस्तों मैं बताऊंगा कि 600 कौन सी होती है। ये देखो दोस्तों, ये जो मदानी है इसका जो स्टेटर है वो 600 स्टेटर है दोस्तों। ये देखो इंची टेप है और ये देखो इस तरह आपको देख लेना है। इसका जो ये लंबाई है, स्टेटर की जो लंबाई है वो 600 लंबाई है दोस्तों। इतना आपकी समझ में आ गया होगा, इतना आपको मैंने समझा दिया है दोस्तों। ये जो मदानी है इस मदानी का डाटा मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों 600 मदानी में वायर है आपको, सबसे पहले वायर है, वायर वो आपको 35 नंबर गेज का लेना है दोस्तों। समझ में आ गया होगा कि जो वायर है वो 35 नंबर गेज का ले लिया है। और इसमें आपको क्या करना है, लंबाई है, लंबाई आपको कर लेनी है 18.5 लंबाई। समझ गए होंगे जो उसकी टोटल लंबाई कितनी होगी, उसकी टोटल गोलाई कितनी होगी, वो लंबाई आपको 18.5 कर लेनी है दोस्तों। इसमें जो चक्कर है वो चक्कर देने हैं आपको 230। ये देखो समझ गएंगे, रनिंग एंड स्टार्टिंग, इसमें दोनों में एक ही डाटा लगेगा, दोनों में बराबर डाटा लगाना है आपको। 35 नंबर ही अंदर डलेगा, 35 ही ऊपर डलेगा। और जो लंबाई है वो नीचे की जो वाइंडिंग है उसमें 18.5 होगी, और जो बाहर करेंगे उसमें 18.5 होगी। और चक्कर है वो अंदर भी 230 ही लगेंगे और बाहर भी 230 लगेंगे दोस्तों। इस मदानी का डाटा मैंने बता दिया है, मदानी का डाटा आपने अच्छे से समझ में लिया है, मदानी की अच्छे से समझ लिया। अब दोस्तों मैं आपको 500 मदानी का डाटा बताऊंगा कि 500 मदानी का डाटा है वो किस तरह आपको करना है। तो 500 मदानी का डाटा मैं बताऊंगा दोस्तों, समझ लेना आप। 500 मदानी आप समझ गएंगे कि जो स्टेटर 600 लंबाई थी और इसमें जो लंबाई होगी वो 500 लंबाई होगी। देखो 500 मदानी के लिए डाटा के लिए आपको क्या करना है, 500 डाटा है तो 500 मदानी डाटा, 500 मदानी डाटा में वायर है वो 35 नंबर ले लेना है, वो लंबाई है वो 18 कर लेनी है, और चक्कर है वो 230 दे लेनी है। और जो बाहर वाली कोयल होगी उसमें भी वायर है वो 35 ले लें, लंबाई है वो 18 कर देनी है, और चक्कर है वो 230 कर देनी है। और ये चार के चार सेट होंगे, और ये भी चार के चार सेट। दोस्तों समझा दिया अच्छे से, आपके समझ में आ गया है कि वायर वो 35 कर देना है, लंबाई 18 कर देनी है, चक्कर 230 कर देनी है, चार चार के चार सेट हो जाएंगे। और पहले वाले जो बताए थे उसमें भी चार चार के चार सेट हो जाएंगे। और इसमें भी वायर 35 नंबर कर देना है, लंबाई है वो 18 कर देनी है, और चक्कर है वो 230 कर देना है। दोस्तों 500 मदानी का भी डाटा बता दिया है मैंने, 600 मदानी का भी डाटा बता दिया है दोस्तों। दोस्तों एक मदानी आती है
उस मदानी की जो स्ट्रेट लंबाई होती है वो होती है एक सही एक बटा चार, समझ गए कि मतलब सोएनसी स्टेटर होता है उसका मैं आपको डाटा बताऊंगा। तो सोएनसी का डाटा में आपको क्या करना है, वायर है वो 34 नंबर ले लेना है, समझ गए। उसकी लंबाई है वो आपको 19 कर देनी है और उसकी जो चक्कर है वो आपके कर देने हैं 220। उसके बाद में जो स्टार्टिंग है उसमें भी वायर है वो 34 नंबर हो जाएगा, लंबाई है वो 22 हो जाएगी और चक्कर है वो हो जाएंगे 110। इसमें चार का एक सेट होगा और इसमें भी चार का एक सेट होगा, दोस्तों समझ गए। उसके बाद में इसके अंदर जो वाइंडिंग है वो ये हमेशा रनिंग में चलेगा, आपको ये ध्यान रखना है ये हमेशा रनिंग में चलना चाहिए। रनिंग में अगर चलेगा तो आपके चीज समझ में आ जाएगा। ये देखो दोस्तों वायर है वो 34 कर दिया है, लंबाई है वो 19 है और चक्कर 230 है और आगे वाले में वायर 34 है, लंबाई 22 है और चक्कर वो 110 दे दिए दोस्तों। ये देखो दोस्तों ये मैंने बता दिया मदानिका में डाटा है, तीन प्रकार की मदानी है वो रेगुलर चलती है, तीनों प्रकार की मदानी का मैंने डाटा आपको बता दिया, ये डाटा सब बेस्ट डाटा रहेगा दोस्तों। दोस्तों इतनी बात आप समझ गए कि इतनी आपकी बात है वो समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों मैं आपको एल्यूमिनियम डाटा बता देता हूँ, एल्यूमिनियम डाटा मदानी का एल्यूमिनियम डाटा किस तरह डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। एल्यूमिनियम डाटा दोस्तों, एल्यूमिनियम डाटा में जो 600 स्टेटर है मैंने पहले बताया था, 600 स्टेटर है ये देखो, ये 600 स्टेटर है, इस 600 स्टेटर में जो लंबा सबसे पहले वायर है वो वायर आपको क्या करना है 34 नंबर ले लेना है, एल्यूमिनियम गेज एल्यूमिनियम का 34 नंबर वायर ले लेना है। उसके बाद में जो लंबाई है लंबाई कर देनी है आपको 18 सही एक बटा दो लंबाई कर दिए। इसमें जो चक्कर है वो आपको कर देने 230, ये हो गया एल्यूमिनियम डाटा। और इसमें जो आगे वाला है, आगे वाली जो इसमें चार का एक सेट हो जाएगा और जो आगे वाला है उसमें भी क्या करना है, वायर है वो 34 कर देना है, लंबाई है वो 18.5 कर देनी है और जो चक्कर है वो 230 कर देना है और चार चार का एक सेट कर देना है। दोनों में सेम है, सेम डालना आपको, दोनों में एकदम सेम डालना है, अलग कुछ नहीं करना है दोस्तों। और इस तरह आपको डाटा कर देना है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको पांच सूत मदानी का एल्यूमिनियम डाटा बताऊंगा, पांच सूत मदानी का एल्यूमिनियम डाटा, पांच सूत मदानी का आपको वायर है वो 34 नंबर। दोस्तों मैं एक बार शॉर्टकट में वाली कराऊं, लेकिन ये समझ लेना आपको ये वायर है, इसमें वायर वो 34 कर देना है, इसकी जो लंबाई है वो 18.5 कर देनी है और जो चक्कर है वो आपको कर देने 230 और ये है दोस्तों चार चार का एक सेट हो जाएगा। उसके बाद में जो स्टार्टिंग है उसके अंदर आपको क्या करना है, वायर है वो 34 कर देना है और लंबाई है वो 18.5 कर देनी है और चक्कर है वो 230 कर देना है और ये भी चार चार का एक सेट हो गया। दोस्तों समझा दिया, ये जो डाटा है वो एकदम गुड डाटा है, इसमें आपको चीज़ समझ लेना है दोस्तों और समझ के और फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको पंखे का डाटा बताऊंगा, पंखे का डाटा में जो 24 स्लॉट पंखा होता है, 24 स्लॉट का आप मतलब समझ गए होंगे, जो 24 स्लॉट पंखा होता है 12 स्लॉट अंदर होती है और 12 स्लॉट बाहर होती है, 24 स्लॉट पंखा होता है और उसका डाटा मैं आपको बताऊंगा। 24 स्लॉट के डाटे में वायर है वो आपको 35 नंबर ले लेना है, ये जो मशीन से वाइंडिंग कर लो चाहे हाथ से वाइंडिंग कर लो सब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वायर 35 नंबर ले लिया है। और इसके अंदर जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग जो अंदर वाली है, स्टार्टिंग और रनिंग, स्टार्टिंग है दोस्तों जो स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग के अंदर आपको 340 चक्कर दे देने हैं और जो रनिंग है और रनिंग के अंदर 370 चक्कर दे देने हैं। दोस्तों मैं पंखे का 24 स्लॉट की बात कर रहा हूँ जिसमें 12 अंदर होती है, 12 बार होती है
उसमें स्टार्टिंग में 340 है और रनिंग में 370 सेकंड देने, इससे स्पीड है वो अच्छी आएगी, स्पीड है वो बहुत ही शानदार आएगी, स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, मैं गारंटी करता हूँ। और मैंने बहुत ही पंखे की रिवाइंडिंग कर दी है स्टार्टिंग से, लेकिन स्पीड है वो बहुत ही शानदार स्पीड आती है दोस्तों। ये देखो 24 स्लॉट पंखे का मैंने डाटा बता दिया है, अब मैं आपको 28 स्लॉट पंखे का डाटा बताऊँगा। 28 स्लॉट पंखे का डाटा, 28 स्लॉट पंखे का डाटा दोस्तों, ये लिख इसलिए रहा हूँ कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। 28 स्लॉट जो पंखा है उसके अंदर स्टार्टिंग में और रनिंग में को कितने कितने डालते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। स्टार्टिंग और रनिंग, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग में आपको 350 कर देने और जो रनिंग है उसमें 380 कर देने दोस्तों। ये भी इसके भी लगभग बहुत पंखे की रिवाइंडिंग कर दी है, लेकिन बहुत ही अच्छी स्पीड से पंखे वो चल रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब दोस्तों मैं आपको 32 स्लॉट पंखे की डाटा बताऊंगा। 32 स्लॉट पंखा, 32 स्लॉट का मतलब समझ गए होंगे, 16 अंदर है 16 बाहर है दोस्तों। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का डाटा की अगर ज़रूरत है तो आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो या कमेंट में पूछ सकते हो कि कौन सा डाटा की आपको ज़रूरत है, वो कमेंट में आप बताओगे तो मैं आपको एक सेकंड में रिप्लाई दूंगा। मैं हर टाइम यूट्यूब पे रहता हूँ तो आपको हर प्रकार की प्रॉब्लम है वो सोल्व कर दूंगा। 32 स्लॉट पंखा है, उसमें स्टार्टिंग के बारे में बताऊंगा और रनिंग के बारे में, स्टार्टिंग एंड रनिंग दोनों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के अंदर 330 देने और जो रनिंग है उस रनिंग के अंदर 360 सेकंड देने। स्टार्टिंग में 330 है और जो रनिंग है उसके अंदर 360 चक्कर देने हैं, समझ गए होंगे। इसकी स्पीड भी है वो बहुत शानदार आएगी, स्पीड में कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पीड की वजह से पंखा है वो आपके कोई कस्टमर आपको आके नहीं बोलेगा कि स्पीड की वजह से इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस प्रकार से डाटा है वो डाल सकते हो दोस्तों, निस्पीकर आप डाटा डाल सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको कूलर का डाटा बताऊंगा दोस्तों। कूलर में जो 6 सूत कूलर का स्टेटर होता है, 6 सूत हमारा नॉर्मल कूलर आता है, उस कूलर का मैं आपको डाटा बताऊंगा। आप समझ रहे होंगे 6 सूत का मतलब ये जो ये स्टेटर की जो लंबाई होती है वो कितनी सूत है, जैसे इस मदानी की भी 6 सूत है तो उस कूलर की भी 6 सूत है, इस प्रकार से आपको बताना है। 6 सूत कूलर स्टेटर का डाटा है, उसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें जो स्लॉट है वो स्लॉट इसके अंदर 24 होगी, 24 स्लॉट डाटा, 24 स्लॉट का जो डाटा है वो बता रहा हूँ, स्लॉट है वो 24 होगी और जो स्लॉट गोलाई, स्लॉट गोलाई कर दो या राउंड कर दो, स्लॉट राउंड 1 इंच अंदर का राउंड, समझ गए होंगे दोस्तों। जैसे ये अंदर का राउंड है, ये अंदर, ये देखो ये अंदर का जो राउंड है, ये राउंड जिस कूलर का राउंड है वो 1 इंच हो, स्लॉट है वो 24 हो और जो 6 सूत कूलर स्टेटर हो उसका मैं आपको डाटा बताऊंगा दोस्तों। समझ लेना है, चीज़ समझ लेना है, इसमें क्या करना है, वायर है वो आपको 30 नंबर ले लेना है, ये देखो वायर 30 नंबर ले लेना है, जो लंबाई है वो कर देने 21 1/4, लंबाई हो गई 121 और इसमें चक्कर दे देने हैं आपको 150 और ये जो सेट हो जाएंगे 4 4 के 1 सेट, समझ गए दोस्तों। ये जो डाटा है वो रनिंग का डाटा है, रनिंग के अंदर ये डालना है, उसके बाद में मैं आपको स्टार्टिंग डाटा बताऊंगा, आप आराम से अच्छे समझ। स्टार्टिंग डाटा है उसके अंदर क्या है, वायर है वो 32 नंबर ले लेना है, उसकी जो लंबाई है वो आपको 21 कर देनी है और जो चक्कर है वो 150 कर देने और ये भी 4 4 का 1 सेट हो जाएगा दोस्तों, समझ गएंगे। जो रनिंग डाटा है उसके अंदर वायर 30 नंबर, लंबाई 121 और चक्कर 150 है, इस 4 4 का 1 सेट हो जाएगा और जो स्टार्टिंग उसमें वायर 32 नंबर है, लंबाई 21 है, चक्कर 150 है, 4 4 का 1 सेट हो गए दोस्तों। 6 सूत कूलर का मैंने स्टेटर है, इसके मैंने डाटा बता दिया है, इस डाटे में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और कूलर की स्पीड है बहुत शानदार आएगी और आप ये डाटा है वो निस्पीकर डाल सकते हो, बिना किसी प्रॉब्लम के डाटा डाल सकते हो। इस डाटे में कभी भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, ये
तो आप निष्फिक्र ये डाटा है वो डाल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। अब दोस्तों मैं आपको 8 सूत कूलर स्टेटर का डाटा है वो बताऊंगा। 8 सूत कूलर स्टेटर का डाटा, 8 सूत कूलर स्टेटर का डाटा आप देख लेना, समझ गएंगे 8 सूत कौन सी होती है, उसकी जो स्टेटर की लंबाई है वो 8 सूत होती है दोस्तों। 8 सूत का डाटा है उसमें आप जो सलोट है वो होती है 24 सलोट और स्लॉट राउंड, स्लॉट स्लॉट राउंड 1 इंच और स्लॉट लंबाई होती है 800, समझ गएंगे। तो जिसमें 24 स्लॉट हो, स्लॉट राउंड जो अंदर का मैंने बताया था, ये जो अंदर की गोलाई होती है वो 1 इंच और स्लॉट लंबाई है वो 800 होती है। इसके अंदर आपको क्या करना है इसका मैं डाटा बताऊंगा। इसमें वायर है वो आपको 29 नंबर ले लेना है, जो लंबाई है वो आपको कर देनी है 22.5 कर देनी है और चक्कर आपको कर देना है 140, ये भी 4 का एक सेट हो जाएगा। उसके बाद में जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के अंदर आपको क्या करना है, वायर है वो 31 कर देना है, इसमें जो लंबाई है वो कर देनी है आपको 22 इंच है, ये जो आगे वाले बता रहा हूँ वो दोस्तों 22 इंच में है हमेशा, और इसमें चक्कर है वो आपको कर देने 140 है, और ये भी 4 का एक सेट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों समझा दिया मैंने, वायर है वो 29 हो गया है, लंबाई है वो 22.5 हो गई है, चक्कर 140 है और 4 का एक हो गया, इसमें वायर 31 है, लंबाई 22 है, चक्कर 140 है, 4 का एक सेट हो गया है दोस्तों। 8 सूत कूलर स्टेटर का मैंने डाटा बता दिया है, अब मैं आपको इसके अंदर 9 सूत कूलर स्टेटर का डाटा बताऊंगा, 9 सूत कूलर स्टेटर का डाटा बताऊंगा। दोस्तों लिख कर इसलिए बता रहा हूँ कि लिख कर अगर आपको बताऊँगा तो आपकी अच्छे से समझ में आएगा, उससे बेटर रहेगा। 9 सूत है उसमें जो स्लॉट है वो 2400 और स्लॉट की जो राउंड है, राउंड हो इसके अंदर 1 इंच हो और इसके अंदर लंबाई हो वो हो 9 सूत, समझ गए हम कि स्टेटर की जो लंबाई है, जैसे ये कूलर है इसकी जो लंबाई है वो 9 सूत होनी चाहिए, इसका जो अंदर का ये राउंड है, ये राउंड 1 इंच होना चाहिए और जो लंबाई 9 सूत हो ही गई है। अगर इस प्रकार की कंडीशन में कोई स्टेटर हो तो आपको घबराना नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको क्या करना है, वायर है वो 29 नंबर ले लेना है और लंबाई है वो 23 नंबर कर देनी है और चक्कर है वो 140 कर देनी है, और जो आगे वाला है उसके अंदर वायर है वो 31 नंबर कर देनी है, लंबाई है वो 22 से 1/2 कर देना है और चक्कर है वो आपको 140 कर देने है, इसमें 4 का एक हो जाएगा, ये भी 4 का एक हो जाएगा, समझ गए होंगे दोस्तों। वायर है वो 29 नंबर हो जाएगा, लंबाई है वो 23 हो जाएगी, चक्कर है वो 140 है और 4 का एक सेट हो जाएगा, इसमें वायर 31 नंबर है, लंबाई 22 है, चक्कर 140 है, 4 का एक सेट हो जाएगा। दोस्तों 6 सूत कूलर का बता दिया मैंने, 8 सूत का बता दिया है और 9 सूत कूलर स्टेटर का मैंने डाटा बता दिया है। आप इस प्रकार के डाटे से आराम से अच्छे से निकाल सकते हो, आराम से वाइंडिंग कर सकते हो। ये जो डाटा बता रहा हूँ इसके अंदर आपको किसी प्रकार का डाटा है वो वायर है उसका गेज निकालने की जरूरत नहीं है, आप पुराने वाला वायर निकाल दो उसके बाद नया वायर अच्छी तरीके से डाल सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको 8 सूत सिंपनी मोटर का डाटा बताऊँगा, 8 सूत सिंपनी मोटर का मतलब समझ गए होंगे, सिंपनी मोटर वो होती है वो थोड़ी छोटी साइज की होती है, उसका डाटा बताऊंगा। उसमें जो स्लॉट हो वो 2400 स्लॉट जो लंबाई है, स्लॉट लंबाई वो 8 सूत हो और उसके जो स्लॉट की जो गोलाई है, राउंड है, स्लॉट का राउंड है वो राउंड हो 1 इंच हो। इस कंडीशन में अगर कोई आपके पास स्टेटर आता है जैसे स्लॉट 2400 स्लॉट लंबाई 8 सूत हो और जो स्लॉट का राउंड है वो 1 इंच हो, इस तरह का आपको कभी भी अगर मोटर आती है, सिंपनी की मोटर आती है, उसमें आपको डाटा क्या डालना है, उसमें जो वायर है वो वायर आपको 30 नंबर डालना है, उसकी लंबाई है वो आपको 22 कर देनी है और उसके जो चक्कर है वो चक्कर आपको 150 कर देना है, समझ गए होंगे दोस्तों। और ये जो डाटा है वो रनिंग का है, और अब मैं आपको स्टार्टिंग का डाटा बताऊँगा। स्टार्टिंग के डाटे में
वायर है वो 32 नंबर कर देनी है, लंबाई है वो आपको कर देनी है 21 से 1/2, और चक्कर कर देने हैं आपको 150। ये 4 का 1 हो जाएगा सेट और ये 4 का 1 सेट हो जाएगा। दोस्तों सिंपनी मोटर है वो समझ गए होंगे, सिंपनी मोटर में स्लोट 2400, स्लोट लंबाई 800 तो और राउंड 1 इंच। रनिंग डाटा डालने के लिए रनिंग में आपको वायर है वो 30 नंबर कर देनी है, लंबाई 22 कर देनी है और चक्कर 150 कर देने हैं, 4 का 1 सेट कर देना है। उसके बाद में स्टार्टिंग में वायर 32 नंबर, लंबाई 21.5 है, चक्कर 150 है, 4 का 1 सेट हो जाएगा। दोस्तों दोस्तों समझ गए होंगे इतना तो। उसके बाद में मैं आपको अब दोस्तों मैं आपको एडजस्ट का डाटा बताऊंगा। 1 इंच 2 सूत एडजस्ट का डाटा बताऊंगा। 1 इंच 2 सूत जो एडजस्ट हो उसमें स्लोट हो वो 2400, स्लोट 24, स्लोट की जो लंबाई है स्लोट लंबाई है वो 1 इंच 2 सूत हो, जैसे ये हो रहा है 1 इंच 2 सूत हो, और इसका जो राउंड हो, राउंड समझ गए होंगे उसकी जो कागज़ डालते हैं उसका जो राउंड है वो 1 इंच और आधा सूत हो, उसका मैं आपको डाटा बताऊंगा। एडजस्ट का डाटा में आपको क्या करना है, 1 इंच 2 सूत एडजस्ट में आपको वायर है वो 27 नंबर ले लेना है, वायर 27 ले लेना है, और इसमें लंबाई है वो आपको 25 कर देनी है, और जो चक्कर है वो आपको 100 कर देने हैं, और इसमें 4 का 1 सेट हो जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों, अच्छे से मैंने बता दिया है। ये जो डाटा है वो रनिंग है। अब आपको मैं स्टार्टिंग डाटा बताऊंगा। स्टार्टिंग डाटा के अंदर वायर है वो 29 है, लंबाई है वो करनी है 24 से 1/2, और चक्कर है वो 110। इस तरह ये जो एडजस्ट है, एडजस्ट का डाटा आपको करना है। समझ गए होंगे दोस्तों, इसमें वायर है वो 2700, लंबाई 2500, चक्कर 100 देने हैं आपको, और 4 का 1 सेट कर देना है। स्टार्टिंग में वायर है वो 29 नंबर करनी है, लंबाई है वो 24.5 करनी है, चक्कर है वो 110 करनी है, 4 का 1 सेट हो जाएगा, ये 4 का 1 सेट हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी स्लोट 24, स्लोट लंबाई 1 इंच आधा सूत और राउंड 1 इंच हो, इस कंडीशन में अगर हो तो ये डाटा ओके है, अन्यथा ये डाटा ओके नहीं है। दोस्तों आपको अच्छे से डाटा निकाल लेना है। दोस्तों एडजस्ट का डाटा दोस्तों समझ गए होंगे, आपको डाटा 1 इंच 2 सूत का एडजस्ट का डाटा बता दिया है। अब दोस्तों मैं आपको इस आगे वीडियो में 1 इंच 4 सूत एडजस्ट का डाटा बताऊंगा। 1 इंच 4 सूत, 1 इंच और 4 सूत एडजस्ट का डाटा बताऊंगा। 1 इंच 4 सूत एडजस्ट में आप किस तरीके का कंडीशन हो, उसमें स्लोट है वो स्लोट हो 2400, स्लोट की जो लंबाई है वो तो आपको पता ही है, स्लोट लंबाई हो 1 इंच 4 सूत, और जो इसका जो राउंड है वो राउंड हो, राउंड जो होता है वो कागज का राउंड होता है वो 1 इंच 1 सूत, इसका मैं डाटा आपको बताऊंगा। तो इसका जो डाटा है इसमें आपको वायर है वो 27 नंबर ले लेना है, और लंबाई है वो आपको कर लेनी है 26 इंच, और इसमें चक्कर है वो आपको देने हैं 90, और ये है रनिंग डाटा। दोस्तों समझ लेना, पहले जो डाटा बताते हैं उसके अंदर रनिंग होता है, और बाद में जो डाटा होता है वो स्टार्टिंग होता है। रनिंग होता है मतलब पहले, समझ लेना है, रनिंग जो पहले डलता है और स्टार्टिंग बाद में डलता है। अब आपको स्टार्टिंग डाटा बताएंगे। स्टार्टिंग डाटा में आपको वायर है वो 29 है, लंबाई है वो 25 से 1/2 कर लेना, मतलब 24.5 है, 25.5 है, और चक्कर है वो कर लेना है 110 है। समझ गए होंगे दोस्तों, ये भी 4 का 1 हो जाएगा, ये भी 4 का 1 हो जाएगा। वायर 27 है, लंबाई 26 है, चक्कर 90 देने, और इसके अंदर वायर 29 है, लंबाई 25.5 है, और चक्कर है वो 110 देने, 4 का 1 सेट हो जाएगा। दोस्तों समझ गए होंगे, अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब दोस्तों मैं आपको 8 सूत भट्ठी मोटर का डाटा बताऊंगा। 8 सूत भट्ठी मोटर, 8 सूत भट्ठी मोटर, भट्ठी मोटर समझ गए होंगे। भट्ठी मोटर एक जो चूल्हा होता है जिसमें जो मतलब रोटी बनाई जाती है, उसके अंदर भट्ठी मोटर है, उसका डाटा बताऊंगा।
कभी आपके साथ आए तो भट्टी मोटर का डाटा वो आप अच्छे से समझना। उसमें क्या है, स्लोट है वो 8 हो, स्लोट लंबाई है, स्लोट लंबाई वो 6 सूत हो, और इसके अंदर स्लोट का जो राउंड है, स्लोट राउंड हो वो 1 इंच 4 सूत हो। इस तरीके की अगर आपके पास भट्टी और मोटर आती है, स्लोट जो स्लोट 8 हो, ओनली 8 ही स्लोट, लंबाई स्लोट की लंबाई 6 सूत हो, स्लोट का राउंड 1 इंच 4 सूत हो, तो इस कंडीशन में आपको इसके अंदर डाटा डालना है। उसमें क्या करना है, वायर है वो आपको 35 नंबर डाल लेना है। इसमें जो लंबाई है, लंबाई कर देनी है आपको 9 से 1/4 कर देनी है, और चक्कर कर देनी है आपको मात्र 1000। उसके बाद में स्टार्टिंग डाटा है, स्टार्टिंग ये रनिंग है, स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग के अंदर आपको क्या करना है, वायर है स्टार्टिंग है, उसके अंदर आपको वायर है वो 35 नंबर कर देना है, और लंबाई है वो 9 कर देनी है, 9 इंच, ये जो आगे बता रहा हूँ मैं 9 इंच है दोस्तों, या आपको इस, और इसमें चक्कर है वो आपको 1000 देना है, समझ गएंगे। और ये सब वो एक एक सेट होंगे, जैसे गुटका कोयल होती है उस गुटके कोयल की एक एक 4 सेट हो जाएंगे, समझ गएंगे दोस्तों। अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट में आपके नंबर लिख देना, मैं आपको कॉल करके ज़रूर बताऊंगा, आपकी जो हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है वो मैं करूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा मत समझना कि जो ये बातें मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपका कमेंट है वो सुनूंगा नहीं, आपका हर एक कमेंट है वो मैं देखूंगा, तो आपको देख लेना है कि किस तरह के आप करना है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको टेबल पंखा का डाटा बताऊंगा, टेबल पंखा है, उसमें स्लोट है वो 24 है, जिस टेबल पंखे में स्लोट 24 हो, स्लोट लंबाई है दोस्तों समझ लेना, एक ही चीज़ नोट कर लेना, स्लोट लंबाई है वो 6 सूत हो, और स्लोट का जो राउंड है, स्लोट राउंड हो वो 6 सूत हो, जिसमें स्लोट 24 हो, स्लोट लंबाई है वो स्लोट लंबाई 6 सूत हो, और जो स्लोट राउंड है वो भी 6 सूत हो। इस कंडीशन में अगर आपके पास कोई टेबल पंखे का स्टेटर आ जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, और आपको जो स्टेटर है उस स्टेटर को कभी भी जो वायर है उस वायर को एक एक को गिनती करके उसका डाटा नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट वो डाटा निकाल के अंदर डाल देना है, और उसके बाद में जो डाटा है इस डाटा है उसका आराम से आप जो वायर है वो आप कर सकते हो। अब दोस्तों जो ये डाटा है, इस डाटा का मैं आपको डाटा बताऊंगा, तो इसमें क्या करना है, वायर है वो आपको 36 नंबर ले लेना है, वायर 36 ले लेना है, इसी जो लंबाई है वो लंबाई 26 से 1/2 कर देनी है, और चक्कर वो आपको 300, समझ गए होंगे दोस्तों। ये जो है डाटा है वो रनिंग का है। अब मैं आपको स्टार्टिंग डाटा बताऊँगा, स्टार्टिंग डाटा में आपको वायर है वो 36 नंबर ले लेना है, और जो चक्कर है वो चक्कर आपको लंबाई सबसे पहले लंबाई कर देनी है वो 25 से 1/2 कर देनी है, और चक्कर आपको कर देने 330 दोस्तों। ये जो कोयल है वो दो कोयल, ये देखो इस तरह दो कोयल डालनी है, और ये है ये भी आपको दो कोयल डाल देनी है इस तरह आपको, ये देखो ये डाटा हो जाएगा, समझ गए होंगे दोस्तों। स्लोट 24 हो, स्लोट लंबाई 6 सूत हो, स्लोट राउंड 6 सूत हो, इस तरीके में अगर आपके पास कोई अगर स्टेटर आता है, टेबल पंखे का स्टेटर आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको वायर है वो 36 नंबर डाल लेना, लंबाई वो 26 डाल लेनी है, और चक्कर वो 330 डाल लेनी है, और इस तरह आपको डाल देना है दोस्तों समझ गए होंगे, अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब मैं आपको दोस्तों 16 स्लोट टेबल पंखे का डाटा बताऊँगा, 16 स्लोट टेबल फैन का डाटा बताऊंगा, उसमें स्लोट है वो 16 हो जाएगी, और स्लोट लंबाई है वो 6 सूत हो जाएगी, और स्लोट का जो राउंड है वो राउंड हो जाएगा 1 इंच। इस तरह का अगर आपके पास टेबल फैन का जो भी आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, उसका डाटा मैं आपको अभी बता रहा हूँ, उसका डाटा आप देख लेना आराम से, ऐसे ऐसे देखते हो इस प्रकार की कंडीशन आई तो उसमें आपको वायर है वो 37 नंबर,
इसकी जो लंबाई है वो 17.5 और चक्कर है वो 210 देने है। उसके बाद में जो आगे का है ये जो ये हो गया रनिंग का और ये हो गया स्टार्टिंग का। रनिंग और स्टार्टिंग में आप समझते हो इसमें वायर है वो 37 और लंबाई है वो 17 × 1/4 = 17 और चक्कर है वो 250 है। इस पंखे की जो बंडाई होती है वो 1 × 4 और 3 बार इसमें 3 बार राउंड लगेगा, समझ गएंगे। 1 × 3 में 3 बार राउंड लगेगा, ओनली 2 ही स्लॉट में 3 राउंड लगेंगे, समझ गए दोस्तों। इस तरह आप ये डाटा है वो डाल सकते हो। अगर ये डाटा आपके समझ में नहीं आ रहा है इस तरह का तो आप कमेंट में बताना और आपके नंबर डाल देना, मैं आपके पास कॉल करके पूछ लूँगा, या फिर आप हमारी आपकी आईडी है मेरी ईमेल आईडी पे मैसेज कर देना, मैं आपके जो मैसेज अच्छे से आपके पास कॉल करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको आगे दूसरा डाटा बताऊँगा। अब दोस्तों मैं आपको एसी मोटर का डाटा बताऊँगा। एसी मोटर का डाटा बताऊंगा। इसमें आपको क्या करना है, स्लॉट है वो 24 स्लॉट लंबाई है वो 1 इंच और 2 सूत और स्लॉट की जो राउंड है राउंड जो कागज डालते हैं राउंड 1 इंच, समझ गए। राउंड होता है जो कागज डालते हैं वो होता है दोस्तों, समझ लेना है। इसमें स्लॉट है वो 24 होनी चाहिए और स्लॉट लंबा 1 × 2 सूत होनी चाहिए राउंड 1। दोस्तों कई ऐसी मोटर होते हैं उसमें स्लॉट 36 भी होती हैं, स्लॉट 32 भी होती हैं, लेकिन आपको जो 24 स्लॉट है वो उसका डाटा मैं बता रहा हूँ। 36 स्लॉट कभी आपके आए तो उसका मैं डाटा बताऊँगा। अब दोस्तों इसका जो डाटा है वो आपको क्या करना है, वायर है वो वायर इसके अंदर 32 नंबर डाल देना है। ये देखो इस तरह वायर है वो 32 है, इसकी जो लंबाई है वो कर देनी है 23 इंच, लंबाई 23 इंच हो जाएगी और जो चक्कर है वो हो जाएगा इसके अंदर 140। और इस जो आगे वाली स्टार्टिंग ये है ये रनिंग हो गया, इसके बाद में स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में वायर है वो 32 हो जाएगा, लंबाई है वो हो जाएगी 22.5 हो जाएगी और चक्कर वो 140 हो जाएगा। इसमें 4 का 1 सेट हो जाएगा और इसमें भी 4 का 1 सेट हो जाएगा। दोस्तों एसी मोटर का मैंने डाटा बता दिया है, एसी मोटर का एक बार फिर से बता दे रहा हूँ मैं। इसमें स्लॉट है वो 24 हो जाएगी, स्लॉट लंबाई वो 1 × 2 सूत हो जाएगी, राउंड है वो 1। इस तरह की अगर कंडीशन में किसी तरह का स्टेट रहता है तो आपको वायर 32, लंबाई 23, चक्कर 140, 4 का 1 सेट डाल देना है और उसमें स्टार्टिंग में वायर 32 है, लंबाई 22 है, चक्कर 140 है और 4 का 1 सेट कर देना है। दोस्तों समझ गएंगे। एसी मोटर का डाटा है वो मैंने ऐसी समझ ला दिया है, एसी मोटर का डाटा है वो इस तरह आप डाल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, आप करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको एक 36 स्लॉट का डाटा बताऊँगा, 36 स्लॉट कूलर स्टेटर का डाटा बताऊँगा। 36 स्लॉट कूलर स्टेटर का डाटा जिसमें स्लॉट हो वो 36 हो, ये सबसे पहले आपको ध्यान देनी है। जब स्लॉट काट रहे हो तो आपको स्लॉट है वो राउंड सब कुछ दे, स्लॉट जो लंबाई है वो 1 इंच 3 सूत है और इसकी स्लॉट जो गोलाई है, स्लॉट गोलाई वो है 1 इंच 2 सूत है, स्लॉट 36 है, स्लॉट लंबाई 1 × 3 सूत है और स्लॉट गोला 1 × 2 सूत है। इस तरह की कंडीशन में आपके पास कभी स्टेटर आता है तो उस स्टेटर का आपको मैं डाटा वो डाटा बताता हूँ। डाटा है बता रहा हूँ उसमें आपको वायर है वो सबसे पहले रनिंग डाटा बता रहा हूँ, रनिंग डाटा में वायर है वो 28 नंबर लेना है, इसके अंदर लंबाई है वो आपको कर लेनी है 6.5 कर लेनी है और चक्कर है वो आपको करने हैं 70 130 130 और 3 × 3 = 4 सेट हो जाएगा। ये जो कोयल है वो छोटी बड़ी उससे बड़ी इस तरीके से बनेंगी, चक्की वाला डाटा है उसके अंदर बनेंगी। इसमें वायर है वो 30 कर देना है और इसकी जो लंबाई है वो आपको 7 इंच कर देनी है, इसमें चक्कर है वो आपको कर देना है 130
180 और 200, और इसमें सबसे पहले दो दो का चार सेट हो जाएगा और इसमें तीन तीन का दो सेट हो जाएगा। दोस्तों समझ गए होंगे, अच्छे से मैंने समझा दिया है, बिना प्रॉब्लम के समझा दिया दोस्तों, अच्छे से समझ लेना आपको। अब दोस्तों मैं आपको आगे दूसरा डाटा बताऊंगा। दोस्तों वीडियो भी बने रहना, और वीडियो भी बने रहोगे तो आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। अब मैं आपको चार स्लोटेबल पंखा का डाटा बताऊंगा, जिसमें चार ही स्लोट होती है। दोस्तों देख लो किस किस कैसे कैसे मैं डाटा बता रहा हूँ, आप अच्छे समझ लेना। जिसमें चार ही स्लोट होती है, ओनली चार स्लोट टेबल पंखा, इसका मैं आपको डाटा बताऊंगा। जिसमें स्लोट होती है वो आप समझ ही गए होंगे, स्लोट होती है वो चार होती है, ओनली चार ही स्लोट होती है। और जो स्लोट है, स्लोट लंबाई होती है, वो होती है एक इंच, मतलब 8 सूत होती है। और इसमें जो स्लोट की गोलाई है, स्लोट गोलाई वो है 3 इंच। दोस्तों आपके पास इस तरह का कभी भी टेबल पंखा आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जिसमें स्लोट हो, चार स्लोट हो, स्लोट लंबाई 1 इंच, 8 सूत हो, स्लोट गोलाई 3 इंच हो, इस तरह का आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर आपको वायर है वो 32 नंबर डाल देना है, लंबाई है वो आपको कर देनी है 22 इंच कर देनी है, और चक्कर है वो 150 कर देनी है। समझ गएंगे दोस्तों, ये जो चार कोयले होगी, ओनली चार ही कोयल होगी, इसमें कोई कैपेसिटर नहीं लगता है, इसमें कैपेसिटर भी नहीं लगता है। पर उल्टा सुलटा करने के लिए पहले कनेक्शन देखने पड़ते हैं, अगर उल्टा है तो आपको पीछे कनेक्शन निकालना पड़ता है। कनेक्शन सबसे पहले देख लेना है कि उल्टा घूमेगा या सुलटा घूमेगा, वो आपको कनेक्शन देखने। अगर इस तरह की कभी भी आपको प्रॉब्लम आ गई तो मैं आपको मेरे मोबाइल नंबर से, आप मेरे पास मैसेज करके कमेंट में बता सकते हो, अगर कमेंट में बताओगे तो मैं आपके पास कॉल कर लूँगा। हर टाइम में कमेंट देखता रहता हूँ तो आपको कॉल कर लूँगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह का डाटा हो तो आपको अच्छे से समझ लेना है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको 1500 RPM टेबल पंखे का डाटा बताऊंगा। अब दोस्तों आपको मैं 1500 RPM टेबल पंखा का डाटा बताऊंगा, जिसमें स्लोट है वो 16 हो, स्लोट की जो लंबाई है, स्लोट लंबाई वो 1 इंच हो, और स्लोट गोलाई है, स्लोट का जो राउंड है, स्लोट का जो राउंड है वो 7 सूत हो। इस तरह का दोस्तों आपके कभी भी स्टेटर आता है, ये जो स्टेटर होता है वो इस तरह होता है, ये देखो इस तरह का स्टेटर आएगा आपको, 4 कोण का स्टेटर आएगा, और उसके अंदर इस तरह की 16 है वो स्लोट आएगी। समझ गएंगे दोस्तों, इस तरह का टेबल पंखा आता है तो आपको कभी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको डाटा डालना है, उसमें क्या करना है, वायर है वो 36 नंबर कर देना है, लंबाई है वो उसके साथ 18 कर देनी है, और चक्कर है वो 230 कर देने हैं। उसके बाद में जो आगे वाला उसके अंदर वायर है वो 36 नंबर कर देने हैं, लंबाई है वो आपको 18 कर देनी है, और चक्कर है वो 230 दे देने हैं। चार चार का एक सेट, उसके बाद में चार का एक सेट। इस तरह का दोस्तों आपको जो 1500 RPM पंखा है उसके अंदर ये डाटा डाल देना है, घबराने की जरूरत नहीं है, डाटा है वो एकदम टकाटक डाटा है। दोस्तों एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, उसमें स्लोट है वो 16 है, स्लोट लंबाई 1 इंच हो, स्लोट गोलाई हो 7 सूत हो, इस तरह का डाटा हो, उसमें वाइट 36 नंबर डाल देना है आपको, लंबाई 18 कर देनी है, और जो चक्कर है वो 230 कर देने है, चार चार का एक सेट कर देना है। इसमें वाइट 36 नंबर है, लंबाई 18 है, चक्कर 230 है, और चार चार का एक सेट कर देना है। दोस्तों समझ गए होंगे, इतनी बात आप अच्छे से समझ लेंगे, आगे वीडियो बने रहना। अब दोस्तों मैं आपको 9 सूत 3 ताड़ी वाला पंखा, 200 3 ताड़ी वाला पंखा का डाटा बताऊंगा। 200 3 ताड़ी वाला पंखा बताऊंगा, उसमें स्लोट है वो स्लोट करनी है आपको 24 है, स्लोट की जो लंबाई है, स्लोट लंबाई वो 9 सूत है, वो तो समझ ही गएंगे आप 9 सूत, और स्लोट की गोलाई, स्लोट का राउंड है वो 6 सूत हो। दोस्तों इस तरह का आपको कभी भी स्टेटर आ जाता है तो आपको किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, स्लोट 24 हो, स्लोट लंबाई 9 सूत हो,
और स्लो ड्राउन चेस हो तो इस तरह का कभी भी स्टेट रहता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह के स्टेटर में आपको मैं डाटा बता दे रहा हूँ दोस्तों, जो बता रहा हूँ ये डाटा नहीं है। आपको किसी प्रकार के आपके पास डाटा हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको डाटा हर प्रकार का डाटा बताऊँगा दोस्तों। इसमें वायर है वो 34 नंबर डाल देने, वायर 34 कर देने। इसमें जो लंबाई है वो 29 हो जाएगी 29, और चक्कर है वो 180 देने हैं, और ये दो कोयल होगी। इसका जो स्टार्टिंग डाटा है, स्टार्टिंग डाटे में क्या करना है, वायर है वो 34 हो जाएगा, लंबाई है वो 28 हो जाएगी, और चक्कर है वो 180 हो जाएंगे, और इसमें भी दो कोयल डल जाए, इसमें भी दो। दोस्तों अच्छे समझा दिया है, जो 903 ताड़ी वाला पंखा का जो स्टेटर है वो आ जाता है कभी भी आपकी, जिसमें स्लोट 2200, स्लोट लंबाई 900, तो स्लोट राउंड 600। तो इसमें आपको क्या करना है, वायर है वो 34 नंबर डालना है, और जो लंबाई है वो 29 कर देनी है, चक्कर 180 कर देनी है, और इसमें वायर 34 है, लंबाई 28 है, और चक्कर 180 कर। इस तरह कंडीशन में हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, या आपको आराम से इस तरीके से आप डाटा डाल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी घबराने की, बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, और आप आराम से इस तरीके से डाटा है वो डाल सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको 503 ताड़ी वाला पंखा का डाटा बताऊंगा, इतना डाटा बता दें, लेकिन अब मैं 503 ताड़ी वाले डाटा का डाटा बताऊंगा। 503 ताड़ी, 503 ताड़ी हो जिसमें स्लोट 2400, स्लोट लंबाई 500 तो, और स्लोट गोलाई, स्लोट राउंड वो 600 तो। दोस्तों इस तरह का आपके पास कभी भी स्टेट रहा जिसमें स्लोट 2400, स्लोट लंबाई 500 तो, स्लोट राउंड 600 तो, इस तरह का आपके पास कभी भी 503 तारीख का स्टेटर आपके पास आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको डाटा डालने के लिए क्या करना है, इसमें वायर है वो आपको 36 डाल देना है, इसमें लंबाई है वो आपको 26 कर देनी है, और चक्कर है वो 330 दे देने हैं, और ये दो कोयल हो जाएगी, दो कोयल का सेट है वो डल जाएगा। स्टार्टिंग के लिए आपको क्या करना है, वायर है वो 36 डाल देने, लंबाई है वो 25 कर देनी है, चक्कर है वो 330 कर देनी है, ये भी दो कोयल हो जाएगी। इसमें दोस्तों 600 छूट कर बंधाई होगी, वह कोयल के ऊपर कोयल नहीं सटेगी, समझ गए होंगे आप, 600 स्लोट होगे उसके बाद में कोयल है उसके ऊपर कोयल नहीं सटेगी। ये देखो दोस्तों आप आराम से इस तरह का डाटा डाल सकते हो, अच्छे से मैंने समझा दिया है, अच्छे से पूरी तरह बात समझ गए होंगे, इस तरह आप ये डाटा डाल सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको 800 पराठे का डाटा बताऊँगा, 800 कूलर पराठा, 800 कूलर पराठा, समझ गए होंगे। 800 का जो हमारा स्टेटर होता है, नॉर्मल जो स्टेटर है, उसको पराठे में आपको बनाने के लिए कौन सा डाटा डालता है, उसमें आपको क्या करना है, वायर है वो 31 नंबर, इसकी जो लंबाई है वो 35 है, और इसमें चक्कर है वो 180 देने हैं, और जो इस स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में आपको वायर है वो 31 नंबर, लंबाई है वो आपको करनी है 35, और चक्कर है वो आपको 18 देने हैं, 180 चक्कर देने हैं, समझ गए होंगे। इसमें दो दो के दो सेट हो जाएंगे, इसमें भी दो दो के दो सेट हो जाएंगे दोस्तों, और इसमें क्या करना है आपको, 1 to 8, 1 to 9 और 1 to 10, इसी तरह इसमें 1 to 8, 1 to 9, 1 to 10, इसमें 6 स्लोट छोड़कर वाइंडिंग होगी, 6 स्लोट छोड़कर वाइंडिंग होगी दोस्तों। ज़्यादा समझना, इन्होंने मिस्त्री लोग है वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, जिसको मिस्त्री का काम आता है, वो लोग है वो ऑटोमेटिक से समझ जाएंगे। ये देखो ये 800 डाटा है वो आप आराम से समझ गए होंगे बिना किसी प्रॉब्लम के, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें समझ गए होंगे दोस्तों। अब आपको मैं आगे का डाटा बताऊँगा। अब दोस्तों मैं आपको 900 सिंपनी मोटर का एल्यूमिनियम डाटा बताऊँगा, 900 सिंपनी मोटर, 900 सिंपनी मोटर का एल्यूमिनियम डाटा,
दोस्तों सिम्फनी मोटर का एल्यूमिनियम डाटा बताऊंगा जिसमें 900 सिम्फनी मोटर का डाटा है, उसमें वायर है, वो आपको क्या करना है, 29 नंबर डाल देना है, उसकी जो लंबाई है वो आपको कर देनी है 60/22 कर देनी है, और इसमें चक्कर है वो 150 कर देने हैं। इसमें वायर है वो 31 नंबर, लंबाई है वो 22 नंबर, और चक्कर है वो 150। ये चार चार का चार सेट हो जाएगा, और ये भी चार चार का चार सेट हो जाएगा। इस तरह आप 900 सिम्फनी मोटर के अंदर डाटा डाल सकते हो। दोस्तों 900 सिम्फनी का डाटा मैंने बता दिया है, अब मैं आपको 1 इंच 200 सिम्फनी का डाटा बताऊंगा। 1 इंच 200 सिम्फनी का डाटा बताऊंगा। 1 इंच 200 सिम्फनी में आपको क्या करना है, वायर है वो 29 नंबर, लंबाई है वो 22.5, और चक्कर है वो 150, और चार चार का एक सेट हो जाएगा। इसी में भी वायर है वो 31, लंबाई है वो 22, और चक्कर है वो 140, चार चार का एक सेट। ये देखो इस तरह दोस्तों 1 इंच 200 सिम्फनी का मैंने डाटा बता दिया आपको। एक बार फिर से देख लेना है, 1 इंच 200 सिम्फनी वो वायर है वो 29 है, लंबाई है वो 22.5 है, चक्कर 150 है, चार चार का एक सेट कर देना है। इसमें वायर 31 है, लंबाई 22 है, चक्कर 140 है, चार चार का एक सेट कर देना है। इस तरीके से सिम्फनी के मैंने दो डाटे बताए, एक डाटा बताया था उसमें वायर है वो 29 है, लंबाई 22.5 है, चक्कर 150 है, वायर 31 है, लंबाई 22.5 है, चक्कर 115 है, इसमें भी चार चार का एक सेट हो जाएगा। दोस्तों समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं आपको 6 सूत कूलर का एल्यूमिनियम डाटा बताऊंगा। 6 सूत कूलर स्टेटर का एल्यूमिनियम डाटा, 6 सूत कूलर स्टेटर का एल्यूमिनियम डाटा बताऊंगा। इसमें दोस्तों स्लोट है वो 24, स्लोट 24, स्लोट की जो लंबाई है, स्लोट राउंड, स्लोट की लंबाई है वो 1 इंच लंबाई, और इसकी जो राउंड है वो राउंड हो इसका 1 इंच। इस तरह का अगर आपके पास एल्यूमिनियम का स्टेटर आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के स्टेटर में आपको एल्यूमिनियम डालना है। एल्यूमिनियम हमेशा कॉपर डालते हैं, उस कॉपर से एल्यूमिनियम की जो साइज़ होती है हमेशा 1 गेज कम होती है। जैसे पहले वाले जो ये स्टेटर है इसमें जो कॉपर का डाटा डाला था वो 30 नंबर का कॉपर डाटा डाला था, लेकिन अब इसके अंदर वायर है वो 29 नंबर एल्यूमिनियम डालेंगे, वायर 29 हो जाएगा। समझ गए होंगे दोस्तों, वायर 29 है और लंबाई 21 सही बेटा, 21 सही बेटा जाए, और चक्कर है इसके अंदर 150 डाल देने। और जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों वायर है वो 31 कर देना है, लंबाई है वो 21 है, और चक्कर है वो 150 डाल देने। ये चार का एक सेट हो जाएगा, ये भी चार का एक सेट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप डाटा डाल सकते हो। स्लोट है वो 2400 जिसमें लंबाई 1 इंच हो, राउंड 1 इंच हो। इस तरह का अगर कूलर स्टेटर आता है तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके का डाटा डाल सकते हो। इसमें वायर 29 नंबर है, लंबाई है 121 है, चक्कर 150 है, और चार चार का एक सेट है। इसमें स्टार्टिंग में वायर 21 है, लंबाई 21 है, चक्कर 150 है, चार चार का एक सेट है। इस तरीके का ये डाटा है आप डाल सकते हो। इस डाटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अच्छे से चलेगा, बिना किसी प्रॉब्लम के एक डाटा है वो चल जाएगा। इस तरीके से आप दोस्तों डाटा है वो डाल सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में आगे डाटा बताऊँगा, आगे डाटा वो समझ लेना कि कौन सा डाटा है मैं बताऊंगा। अब दोस्तों मैं आपको छोटा सीलिंग फैन का डाटा बताऊंगा, छोटा सीलिंग और फैन, छोटा सीलिंग फैन का मैं आपको डाटा बताऊंगा। दोस्तों छोटा सीलिंग फैन में जिसमें स्लोट है वो 2400, स्लोट हो वो 2400, और स्लोट जो लंबाई है, स्लोट लंबाई वो 4 सूत हो, और स्लोट की जो गोलाई है, स्लोट राउंड हो इसका 1 इंच 2 सूत, 1 इंच 2 सूत। इस तरह की कंडीशन में आपके कभी भी कोई स्टेटर आता है जैसे स्लोट 2400,
सलोर लंबाई 400 तो स्लोट राउंड 1-200 तो इस तरीके से आपके पास कोई सीलिंग फैन आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर वायर है वो 36 नंबर लंबाई है वो आपको 14 कर देनी है और चक्कर है वो 170 डाल देनी है और इसकी होगी और 6 कोयल डलेगी हमेशा। ये देखो इस तरीके से 6 कोयल डलेगी और आगे वाला है इसके अंदर वायर है वो 36 लंबाई है वो 13 और चक्कर है वो 160 डाल देनी है और इसकी 6 कोयल डल जाएगी। ये देखो 6 कोयल हो जाएगी। दोस्तों इसमें सीरीज की तरह कनेक्शन होंगे, समझ गए कि सीरीज की तरह कनेक्शन आप समझ गए। मिस्त्री अगर मिस्त्री हो तो सीरीज कनेक्शन समझ गए होंगे, अगर मिस्त्री नहीं हो तो सीरीज कनेक्शन बिल्कुल नहीं समझोगे दोस्तों, फिर तो आपको हर एक एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। ये देखो दोस्तों छोटा सीलिंग फैन का मैंने डाटा बता दिया, इसमें जिसमें वायर 2400 स्लोट लंबाई 400 तो स्लोट राउंड 1-200 तो इस कंडीशन में अगर आपके पास कोई स्टेटर आता है तो उसमें वायर 36 नंबर डालना है, लंबाई 14 करनी है, चक्कर 170 देनी है, 6 कोयल डालनी है, वायर 36 करना है, लंबाई 13 करनी है, चक्कर 160 करना है, 6 कोयल। इस तरह ये डाटा है वो बेटर रहेगा आपके पास। ऐसा डाटा आपको कोई नहीं बताएगा, एकदम अच्छा डाटा है, एकदम अच्छा डाटा है दोस्तों। ये डाटा अगर डाल दोगे तो आपके किसी प्रकार की कभी भी कोई शिकायत नहीं है कि बिना शिकायत के आप ये डाटा डाल सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको 1-2 सूट एडजस्ट का एल्यूमिनियम डाटा बताऊंगा, एडजस्ट का एल्यूमिनियम डाटा 1-2 सूट एडजस्ट का एल्यूमिनियम डाटा बताऊंगा जिसमें स्लोट 2400 स्लोट गोलाई, समझ गएंगे स्लोट गोलाई 1 इंच और आधा सूट हो और स्लोट की जो लंबाई है स्लोट लंबाई वो तो समझ गए होंगे 1-2 सूट। दोस्तों इस तरह की अगर कभी भी एडजस्ट आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जिसमें स्लोट 2400 स्लोट गोलाई 1 इंच आधा सूट हो और स्लोट राउंड है वो 1 इंच हो, इस तरह की अगर डाटा आता है तो आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको वायर है वो 27 नंबर डाल देना है, लंबाई है वो 25 कर देनी है और चक्कर है वो 100 देनी है। ये देखो ये हो गया रनिंग डाटा। अब मैं आपको स्टार्टिंग डाटा बताऊंगा। स्टार्टिंग डाटा में वायर है वो 29 डालना है, लंबाई है वो कर देनी है आपको 24.5 कर देनी है और चक्कर है वो आपको 110 देने है। ये है वो चार सेट हो जाएंगे, ये भी चार सेट हो जाएंगे। इसमें दोस्तों नया तार है वो नया तार बिल्कुल ही कम डलेगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों ये मैंने एल्यूमिनियम डाटा बता दिया है, आप भी एल्यूमिनियम डाटा डाल सकते हो, एल्यूमिनियम डाटा है कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ये देखो अच्छे से ये डाटा डालोगे तो बहुत ही अच्छा चलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के डाटा डाल सकते हो और कोई शिकायत इसके अंदर नहीं आएगी। 1-2 सूट का मैंने एल्यूमिनियम डाटा बता दिया दोस्तों। अब मैं आपको 1-4 सूट का एल्यूमिनियम डाटा बताऊंगा। 1-4 सूट 1-4 सूत एल्यूमिनियम डाटा, पहले मैंने 1-2 सूत का डाटा बताया था, ये देखो इसमें 1-2 सूत का बताया था, लेकिन अब मैं जो डाटा बताऊंगा उसमें 1-4 सूत का डाटा बताऊंगा, समझ गए। 1-4 सूत का जो डाटा है उसके अंदर दोस्तों जिसमें स्लोट है वो 2400 स्लोट है वो 2400 स्लोट की जो लंबाई है स्लोट की जो लंबाई है वो 1-4 सूत हो और स्लोट की जो गोलाई है स्लोट राउंड वो 1-1/2 सूत। दोस्तों इस तरह का आपके पास कभी भी एडजस्ट आता है एल्यूमिनियम डाटा, एडजस्ट इस तरह का अगर डाटा आता है जिसमें 1-4 सूत हो स्लोट 2400 स्लोट लंबाई 1-4 सूत हो स्लोट गोलाई 1-1/2 सूत हो, इस तरह का कभी भी आपके पास डाटा आता है दोस्तों तो उसमें आपको क्या डालना है, वायर है वो आपको एल्यूमिनियम वायर है वो 26 नंबर डालना है
लंबाई है वो आपको 26 कर देनी है, 70 है वो आपको 100 दे देनी है। ये हो गया रनिंग का डाटा। अब मैं आपको स्टार्टिंग का डाटा बताऊंगा। स्टार्टिंग के डाटे में वायर है वो 29 है, लंबाई है वो 25 से 1/2 है और चक्कर है वो 110 है, और ये भी 4 का 4 सेट हो जाएगा, ये भी 4 का 4 सेट हो जाएगा दोस्तों। ये देखो इस तरह रनिंग एंड स्टार्टिंग दोनों का मैंने डाटा बता दिया है। ये देखो 1 इंच 4 सूत एल्यूमिनियम डाटा है, स्लॉट है वो 24 है, स्लॉट लंबाई 1 इंच 4 सूत है, स्लॉट गोला है वो 1 इंच आधा सूत है, रनिंग में वायर 26 है, लंबाई 26 है, चक्कर 10 है। ये देखो चक्कर है वो 100 है और आगे वाले में 110 डाल देने, इसमें 100 डाल देने, इसमें 110 डाल देने, इसमें वायर 29 है, इसमें 26 है, इसमें 26 लंबाई, इसमें 50 लंबाई, चक्कर 10 है, इसमें चक्कर 110 है, 4 4 4 हो गए, 4 4 4 हो गए दोस्तों। समझ गए होंगे दोस्तों, अच्छे से मैंने बता दिया। अब मैं आपको 800 सिंपनी का एल्यूमिनियम डाटा बताऊंगा। 800 सिंपनी मोटर का एल्यूमिनियम डाटा क्या होता है वो बताऊंगा दोस्तों। 800 सिंपनी मोटर का एल्यूमिनियम डाटा, 800 सिंपनी मोटर का एल्यूमिनियम डाटा जिसमें स्लॉट है वो 2400, स्लॉट 2400, स्लॉट लंबाई है वो 800 तो, और स्लॉट का जो गोलाई है, स्लॉट गोलाई वो 1 इंच। इस तरह की कंडीशन में आपके पास कोई एल्यूमिनियम का सिंपनी मोटर आती है तो आपको दोस्तों कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह की आती है तो आपको क्या करना है, उसमें वायर है वो 29 नंबर डाल देना है, लंबाई है वो आपको 22 कर देनी है और चक्कर है वो 150 कर देनी है। ये हो गया रनिंग का डाटा। अब मैं आपको स्टार्टिंग का डाटा बताऊंगा। स्टार्टिंग के अंदर आपको वायर है वो 32 है, लंबाई है वो 21 से 1/2 है, चक्कर वो 150। सिंपनी मोटर होती है दोस्तों वो थोड़ी छोटी होती है आपको पता है, और इसमें 4 4 का 1 सेट हो जाएगा, इसमें 4 4 का 1 सेट हो जाएगा दोस्तों। समझ गए, अच्छे से समझा दिया दोस्तों मैंने, बहुत सारे दोस्तों डाटे बता दिए हैं, अच्छे से समझा दिया दोस्तों। एक दो डाटा वो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन उनके अलावा आपके पास अगर कभी भी कोई डाटा आता है तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों मैं आपको एक डाटा और बताऊंगा दोस्तों। एक सीलिंग फैन होता है, उस सीलिंग फैन का मैं डाटा बताऊंगा जिसके अंदर आपको हमेशा सीलिंग फैन में वही डाटा आपको डालना है दोस्तों। अब दोस्तों एक छोटा सीलिंग फैन होता है उसका जो एल्यूमिनियम डाटा बताऊंगा, छोटा सीलिंग फैन इसका मैं आपको एल्यूमिनियम डाटा बताऊंगा जिसमें स्लॉट है वो 2400, स्लॉट लंबाई है, स्लॉट लंबाई वो 4 सूट हो और स्लॉट राउंड, इस तरीके के दोस्तों। आपके पास कभी भी छोटा सीलिंग फैन आता है तो आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको क्या करना है, वायर है वो वायर, इसके अंदर वायर है वो आपको 36 नंबर डालना है, वो जो लंबाई है वो लंबाई कर देनी है आपको 14 इंच, और इसके अंदर चक्कर है वो आपको 170 डाल देनी है, और जो आगे वाला है इसके अंदर भी वायर 36 है, लंबाई है वो आपको 13 कर देनी है, चक्कर है आपको 160 कर देनी है। समझ गए होंगे दोस्तों, इसके अंदर 6 कोयल होगी और इसके अंदर भी 6 कोयल होगी। ये देखो दोस्तों, ये मैंने एल्यूमिनियम जो डाटा बताया वो एल्यूमिनियम डाटा बताया है, कॉपर का डाटा भी मैंने पहले बता दिया, लेकिन जो ये डाटा है वो एल्यूमिनियम डाटा है दोस्तों। इसमें है स्लॉट है वो 2 इंच है, स्लॉट लंबाई 4 सूत है, स्लॉट राउंड है वो 1 इंच 2 सूत है, 1 इंच 2 सूत है। इस तरीके का आपको हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर वायर वो 36 डालना है, लंबाई 14 कर देनी है, चक्कर 170 कर देने हैं, 6 कोयल डालनी है, वायर 36 है, लंबाई 13 है, चक्कर 160 है, 6 कोयल है दोस्तों। इस तरह का डाटा का वीडियो आपके पास अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपके पास
सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे द्वारा, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ताकि हमारे द्वारा भेजा गया वीडियो आपके पास अच्छे से पहुंच सके। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इतनी मेहनत से बनाया तो एक सब्सक्राइब आपके साथ जरूर बनता है।